Hey everyone, welcome back to MindSpan Tutorials. Our today's topic is excretion and osmoregulation. So without a further ado, let's get into the video. The first question here is, reabsorption of useful substances from glomerular filtrate occurs in. जो reabsorption होता है useful substances का from glomerular filtrate, वो किस तरह से हो सकता है? Collecting tube की through loop of Henle, proximal convoluted tubule या फिर distal convoluted tubule. सही आंसर होगा C option, proximal convoluted tubule. इसको short form में PCT भी कहा जाता है. और जो proximal convoluted tubule होता है, ये main site होता है for the reabsorption of useful substances from glomerular filtrate. साथ में जो PCT होता वो कंप्लीट रीअब्सॉर्प्शन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि ग्लूकोज के लिए होती है. सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर पार्ट्स ऑफ जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं वो किस चीज़ के पार्ट हो सकते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, नेफ्रॉन, ओविडक्ट या फिर वेस्ट डिफरेंस के. सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेफ्रॉन के, क्योंकि जो बाकी के थ्री ऑप्शन है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी है यहाँ पर. तो फिलहाल जो यहाँ पर आंसर होगा वो नेफ्रॉन होगा. और नेफ्रॉन जो होता है वो एक तरह का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का. नेफ्रॉन्स को रीनल ट्यूब्यूल भी कहा जाता है और साथ में इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है. और हर नेफ्रॉन जो रहता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. पहला पार्ट होता है बोमन्स कैप्सूल और दूसरा पार्ट होता है नेफ्रिक ट्यूब्यूल. थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे. थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. जो ब्रश बॉर्डर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है किस चीज़ की? नेक ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग ट्यूब, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर ऑल ऑफ द अबव. सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि जो पीसीटी होती है वो प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में और वो कॉन्वोल्यूटेड शेप की होती है. इसमें कम से कम 12 से 24 जो मिलीमीटर होती है लेंथ इसकी हो सकती है, 12 से 24 मिलीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है. साथ में ये लाइंड होती है बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइड एपिथीलियम जिसमें न्यूमरस माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. तो इसका हमने पूरा कहना चाहिए, पूरा जो कहना स्ट्रक्चर होना चाहिए वो देखा. फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड मेनली एस. जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं मेनली किस फॉर्म में? यूरिया इन टेटपोल, अमोनिया इन एडल्ट फ्रॉग, अमोनिया इन टेटपोल, यूरिया इन अडल्ट फ्रॉग, यूरिया इन बोथ टेटपोल एंड अडल्ट फ्रॉग या फिर यूरिया इन टेटपोल एंड यूरिक एसिड इन एडल्ट फ्रॉग. सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अमोनिया इन टेटपोल एंड यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो एक तरह का मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है और वो सॉल्यूबल होता है वाटर में और हाईली टॉक्सिक भी होता है. और जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रहता है वो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तभी उसका एक्सक्रीशन पॉसिबल है. टेटपोल जो होता है वो एक्वेटिक होता है तो उसके पास बहुत सारा पानी होता है क्योंकि वो पानी में ही रहता है. तो इसीलिए जो नाइट्रोजिनस वेस्ट टेटपोल में रहेगा वो एलिमिनेट होगा अमोनिया के फॉर्म में. लेकिन वहीं हम अगर फ्रॉग को देखें तो वो एम्फीबियस हो चुका होता है तो वो क्या करता है, वो उसको यूरिया के फॉर्म में क्रिएट आउट करेगा. तो क्योंकि उसके पास अच्छे से जो पानी का अमाउंट होगा वो उसके पास प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो अमोनिया के फॉर्म में उसे एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकता. तो हमने इसका रीजन देखा. फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द स्टेटमेंट इज अंडर नॉर्मल कंडीशंस विच वन इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल. ऐसा क्या होगा जो कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल में? ऑप्शन है यूरिया, सॉल्ट, यूरिक एसिड, ग्लूकोज. सही आंसर यहाँ पर होगा ग्लूकोज. इसको फर्स्ट क्वेश्चन में भी हल्का सा डिस्कस करा था हमने. अब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो एक तरह का हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होता है. इसका मतलब होता है कि ये टोटली या फिर मोस्टली रीअब्सॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन द ब्लड कैपिलरीज. अब क्या होता है, जो रीनल थ्रेशोल्ड होती है, जिसको हम रीनल थ्रेशोल्ड को हम ये भी कह सकते हैं एक तरह की अपर लिमिट होती है ऑफ किडनी टू रीअब्सॉर्ब सच हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. किडनी कितना एब्जॉर्ब कर सकती है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस को, उसकी अपर लिमिट को रीनल थ्रेशोल्ड कहा जाता है. अब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका जो थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है वो 180 मिलीग्राम अपॉन 100 ml होता ही है ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट. अब अगर ब्लड शुगर लेवल जो होगा अगर इससे भी ज़्यादा रीच कर जाए, अगर इस लेवल से भी ऊपर चले जाए अगर ब्लड शुगर लेवल, तो वो जो शुगर होगी वो यूरिन के अंदर भी अपेयर करने लगेगी. तो यहाँ जो सही आंसर है वो इस तरह से होगा ग्लूकोज. सिक्स क्वेश्चन देखेंगे. इन सिक्स क्वेश्चन स्टेटमेंट इज ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू. ग्लूकोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वापस ले लिया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूजन. सही आंसर होगा ए ऑप्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ही ऐसा हो सकता है और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होता है. सेवन क्वेश्चन देखेंगे. इफ किडनीज फेल टू रीअब्सॉर्ब वाटर द इफेक्ट ऑन टिश्यू वुड. अगर किडनी वाटर को रीअब्सॉर्ब करना छोड़ दे तो टिश्यूज के ऊपर क्या अफेक्ट होगा? रिमेन अनअफेक्टेड, श्रिंक एंड श्रिविल,
एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा या फिर टेक मोर ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रिंक एंड श्रिविल, क्योंकि जो किडनी होगी अगर वो फेल हो जाएगी वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में, तो जो कंसंट्रेशन होगा यूरिन का वो लो हो जाएगा। अब जब कंसंट्रेशन यूरिन का लो होगा तो यूरिनेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा, जिसको हम कंडीशन का नाम देते हैं पॉली यूरिया, पॉली यूरिया। अब क्या होता है, एज अ रिजल्ट अब जो टिश्यूज होंगे वो बॉडी के जो भी टिश्यूज होंगे वो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे और श्रिंक करने लगेंगे, तो यहाँ जो आंसर होगा वो श्रिंक एंड श्रिवल हो जाएगा। मूविंग टू एट्थ क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इज यूरिक एसिड इज नाइट्रोजिनस वेस्ट इन। यूरिक एसिड जो होता है वो एक तरह का नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है किन के अंदर, मैमल्स एंड मॉलस्क, बर्ड्स एंड लिजार्ड्स, फ्रॉग्स एंड कार्टिलेजनस फिशेस या फिर इंसेक्ट्स एंड बोनी फिशेस। सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए बी ऑप्शन, बर्ड्स एंड लिजार्ड, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो लीस्ट सॉल्यूबल होता है, एक तरह का लीस्ट सॉल्यूबल नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है जो कि पानी में सॉल्यूबल हो सकता है, और इसका जो 1 ग्राम होता है उसको सिर्फ कह सकते हैं हम 10 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है एक्सक्रीट आउट होने के लिए। ठीक है, तो 1 ग्राम यूरिक एसिड को सिर्फ 10 ml वाटर की ज़रूरत होती है जिससे कि वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाए। और इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक होता है अमंग ऑल नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है, तो वो भी यूरिक एसिड होता है, और ये बॉडी में कह सकते हैं रिटेन हो सकता है जैसे लॉन्गर पीरियड के लिए, जैसे कि जो दूसरे तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं जैसे अमोनिया वगैरह, वो रिटेन नहीं होते बॉडी में, लेकिन ये रिटेन हो सकता है, तो इसका ये ग्रेटर एडवांटेज है। और इसमें वाटर की भी ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता, तो बर्ड्स और लिजार्ड को ज्यादा पानी नहीं मिल पाता, तो इसीलिए सही आंसर यहाँ पर यूरिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, पार्ट नॉट बिलोंगिंग टू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज, वो पार्ट जो कि बिलोंग नहीं करता यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को उसको क्या कह सकते हैं, ग्लोमेरुलस, हैनलेस लूप, डिस्टल कॉन्वोलेटेड लूप या फिर कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ग्लोमेरुलस, क्योंकि वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से बिलोंग उससे बिलोंग नहीं करता, और जो हर नेफ्रॉन होता है वो 6 cm लॉन्ग हो सकता है जो कि 2 parts में डिवाइडेड होता है, बोमन्स कैप्सूल और सेकेंड होता है नेफ्रिक या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो उससे हमने इसको आंसर निकाला है। तो 10th क्वेश्चन देखेंगे, इन 10th क्वेश्चन स्टेटमेंट, इन एन ऑर्निथिन साइकिल विच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। जो ऑर्निथिन साइकिल होती है तो ऐसा कौन सा वेस्ट का यहाँ पर पेयर है जो कि ब्लड से रिमूव होता है, ऑप्शन है CO2 एंड यूरिया, CO2 एंड अमोनिया, अमोनिया एंड यूरिया, यूरिया एंड सोडियम सॉल्ट। सही आंसर यहाँ पर होगा CO2 एंड अमोनिया, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं, इसका रीज़न ये है कि जो मैमल्स होते हैं वो ज़्यादातर मतलब कहना चाहिए यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैमल्स यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इनमें क्या होता है, जो अमोनिया होती है वो डिपॉजिट हो जाती है ऑफ लिवर सेल्स के अंदर, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लिवर सेल्स के उनके अंदर डिपॉजिट हो जाती है, लेटर ऑन फिर वो कन्वर्ट हो जाती है यूरिया के अंदर। इस साइकिल को हम नाम देते हैं ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल, जो कि एडिशन ऑफ CO2 की मदद से होती है, और ये जो साइकिल थी उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रेब्स, जिन्होंने लेटर ऑन एक और साइकिल डिस्कवर की थी जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। और जो यूरिया प्रोडक्शन होता है वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन लिवर होता है, और फिर उसके बाद ये पास हो जाता है इनटू ब्लड स्ट्रीम देन इनटू किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11th क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इज अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोलेरा इज गिवन सलाइन ड्रिप बिकॉज। कोलेरा से सफर करते हुए पेशेंट को सलाइन ड्रिप दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्लोराइड आयंस आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा, सोडियम आयंस हेल्प टू रिटेन वाटर इन द बॉडी, सोडियम आयंस आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस मेम्ब्रेन, या फिर क्लोराइड आयंस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl इन द स्टमक फॉर डाइजेशन। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोडियम आयंस हेल्प टू रिटेन वाटर इन द बॉडी, क्योंकि जब भी ये कोलेरा नाम का डिजीज या प्रॉब्लम होता है किसी को, तो उसमें सीवियर डायरिया, वोमिटिंग, वॉटरी स्टूल्स, इस तरह के चीफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस डिहाइड्रेशन को कॉम्बैट करने के लिए जो हमें चीज़ ज़रूरी होती है वो सोडियम आयंस होते हैं, क्योंकि सोडियम आयंस जो रहते हैं वो वाटर को रिटेन करते हैं बॉडी में, तो जो पेशेंट्स होंगे उनको जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा वो नहीं होगा। साथ में जो कोलेरा नाम का टॉक्सिन होता है क्यों सीक्रेट होता है, उसका एक बैक्टीरिया होता है, उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी नाम का एक जो बैक्टीरिया होता है, पैथोजन होता है, वो इसको सिक्रीट करता है कोलेरा नाम के टॉक्सिन को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स शुरू होती है। 12th क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, इन यूरियोटेलिक एनिमल्स यूरिया फॉर्म्ड बाय। यूरियोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं उसमें यूरिया कैसे फॉर्म होता है, ऑर्निथिन साइकिल, क्रैब साइकिल, कोरी साइकिल या फिर EMP पाथवे। सही आंसर होगा ए ऑप्शन, बहुत ज़्यादा बट ऑब्वियस वाला क्वेश्चन था, क्योंकि अभी ऊपर हमने इसको डिस्कस करा था कि ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है, और जो यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादातर मैमल्स होते हैं उनके अंदर ऑर्निथिन साइकिल फॉलो होती है, तो उससे हमने इसको सॉल्व किया था। 13th क्वेश्चन देखेंगे,
जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, अच्छा एक ज़रूरी बात और कि जो यूरिया होता है वो मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरियोटेलिक एनिमल्स का, और ये प्रोड्यूस होता है लिवर सेल से फ्रॉम डी अमीनेटेड एक्सेस अमीनो एसिड्स वाया यूरिया साइकिल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13th में, द किडनी ऑफ एन एडल्ट फ्रॉग इज, जो किडनी होती है एडल्ट फ्रॉग की वो कैसी हो सकती है, प्रोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस, ओपिस्टोनेफ्रॉस। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मीजोनेफ्रॉस, क्योंकि एडल्ट फ्रॉग की जो किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि डेवलप करते हैं इंटरनल ग्लोमेरुलाई को के अंदर, और फिर इनक्लोज हो जाते हैं कैप्सूल्स में फॉर्मिंग मेल्फिजियन बॉडीज। जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग, तो उसके अंदर जो फंक्शनल केस होता है वो सिर्फ एम्ब्रियो में भी हो सकता है और एडल्ट में भी हो सकता है, तो ये दोनों चीज़ों में, सिर्फ उसमें नहीं हो सकता, दोनों चीज़ों में हो सकता है। 14 क्वेश्चन देखेंगे, 14 क्वेश्चन में स्टेटमेंट है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, नेफ्रॉन, नेफ्रिडिया, पिरामिड, हेनरीज लूप। सही आंसर होगा नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं ह्यूमन किडनी के। जो नेफ्रॉन्स होते हैं हर ह्यूमन किडनी में प्रेजेंट रहते हैं, और ये मिलियंस हो सकते हैं नंबर में। जो नेफ्रॉन होते हैं वो मेनली दो पार्ट से बने होते हैं, मेल्फिजियन बॉडी से, और साथ में एक और पार्ट से जो बने होते हैं उसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो ये दो चीज़ों से बने होते हैं, और जो नेफ्रिडिया होते हैं वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि प्लेटीहेलमिंथ्स, फ्लैटवर्म्स और एनिलीड्स जो कि अर्थवर्म्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो नेफ्रिडिया तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता था, तो सही आंसर यहाँ पर है नेफ्रॉन। 15 क्वेश्चन देखेंगे, 15th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज, अगर किडनी यूरिन फॉर्म नहीं कर पा रही उस कंडीशन को क्या कहेंगे, डी अमीनेशन, एन्यूरिया, एंट्रोपी, नन ऑफ दिस। सही आंसर होगा एन्यूरिया, क्योंकि एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन को एन्यूरिया में काउंट करते हैं। अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजीज भी हो सकती है, जैसे कि एक होती है ओलिगोन्यूरिया, इसमें स्केंटी यूरिनेशन होता है, फिर उसके बाद एक होती है पॉलीन्यूरिया, पॉलीन्यूरिया के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ कहना चाहिए यूरिनेशन होता है, और एक होती है डायसूरिया, डायसूरिया। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर कह सकते हैं पेनफुल यूरिनेशन होता है। तो ये तीनों तरह के अलग अलग, चार तरह के करीब हमने देखे, एन्यूरिया, ओलिगोन्यूरिया, पॉलीन्यूरिया और डायसूरिया। 16 क्वेश्चन देख सकते हैं, 16 क्वेश्चन में स्टेटमेंट है सोलेनोसाइट्स आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन, जो सोलेनोसाइट्स होते हैं वो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं किन में, एनिलीड्स, इकाइनोडर्मेट्स, मॉलस, प्लेटीहेलमिंथ्स। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, प्लेटीहेलमिंथ्स, क्योंकि सोलेनोसाइट्स उनके ही मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। सोलेनोसाइट्स का दूसरा नाम फ्लेम सेल्स भी होता है, और ये मेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लेटीहेलमिंथ्स। और जो एनिलीड्स होते हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेटानेफ्रिडिया होते हैं, वहीं जो मॉलस्क होते हैं उनके अंदर किडनीज प्रेजेंट होती है, ऑल्दो डिफरेंट होती है वर्टिब्रेट किडनी से, तो उससे डिफरेंट हो जाती है। जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं इनके अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करें, इनके अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस नाम की प्रोसेस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम की प्रोसेसेस के थ्रू वो लोग एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, और ये तीन ऑप्शन में भी हमने डिस्कस करे। 17 क्वेश्चन देखेंगे, 17 क्वेश्चन में स्टेटमेंट है एक्वेटिक रेप्टाइल्स आर, जो एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक इन वाटर, यूरियोटेलिक ओवर लैंड। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यूरियोटेलिक, क्योंकि एक्वेटिक रेप्टाइल्स यूरियोटेलिक होते हैं, इनके अंदर एस्केरीज, अर्थवॉर्म, कार्टिलेजनस फिशेस, सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस और जो सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि टर्टल्स, एलिगेटर्स, वो सब आ जाते हैं। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। सो वी सॉ दीज 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर। मैं इसके बाद एक और सीरीज स्टार्ट करूँगी जिसमें नीट की इंपॉर्टेंट डेट्स, कनेक्टिंग लिंक्स और जो अलग अलग तरह के टेबुलेटेड फॉर्म में चीज़ें हो सकती है जिसको हम कह सकते हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की भी वीडियोज़ बनाऊँ तो इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के बाद हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को ताकि आप लोग नोटिफाइड रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना है, और जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे बताना है कि अगर इस तरह की वीडियोज़ आप लोग पसंद करेंगे या नहीं।